जब वो परदेश में अपनी सारी दौलत जुए में उड़ा देता है तो माँ उसे अपना घर बेचकर उसे जेल जाने से बचाती है। जब वो लड़की की मोहब्बत में एक आदमी को कत्ल कर देता है और उसे सजाए मौत सुनाई जाती है तो किसी न किसी तरह जान बचाकर दूसरे मुल्क भाग जाता है। एक वक्त में फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर दुनिया का अमीर तरीन इंसान और एक चौथाई अमरीका का मालिक बनता है और फिर इसी फ्रांस से उसे खाली हाथ अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। आज सुनाएंगे आपको कहानी जॉन लॉ की कि जिसके जिक्र के बगैर इंसानी मईशत की तारीख नामुकम्मल है। जॉन लॉ एक सुनार का बेटा था। 17वीं सदी तक गोल्ड स्मिथ्स का कारोबार बहुत नफा बख्श बन चुका था, जिसकी वजह यह थी कि गोल्ड स्मिथ्स लोगों का सोना दूसरे लोगों को सूद पर देने लगे थे, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। इसलिए जॉन लॉ के माली हालात बचपन से ही खुशहाल थे। जब लॉ 12 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उसकी वालिदा ने कारोबार संभाला। जॉन लॉ कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर लंदन चला जाता है। जब लॉ लंदन आया तो इंग्लैंड एक एक्साइटिंग प्लेस था। 1666 की आग के बाद इंग्लैंड दोबारा से तामीर हो चुका था। यहाँ पर उसकी सिर्फ दो दिलचस्पियाँ हुआ करती थी, एक जुआ और दूसरा लड़कियाँ। वो अपना ज़्यादातर वक्त कैसिनोज में गैम्बलिंग करते हुए गुजारता, यहाँ तक कि उसने अपना सारा पैसा जुए में उड़ा दिया और बहुत से लोगों का मकरूज बन गया और कर्ज वापस ना कर सकने की सूरत में उन्हें जेल जाने की सज़ा हुई। लॉ ने वालदा को ख़त लिखा। वालदा ने जैसे तैसे अपना घर बेचकर लॉ को जेल जाने से बचाया, लेकिन जैसे ही जॉन लॉ जेल से बाहर निकला वो एक मरतबा फिर कैसिनोज में गैम्बलिंग करते हुए देखा गया। 16वीं सदी के दरमियान में एंटी यूजरी लॉज यानी सूद की रोकथाम के लिए बनाए जाने वाले लॉज में रिलैक्सेशन की जा चुकी थी। इससे कबल सूद पर सोना देना एक जुर्म था। चुनाचे सिर्फ यहूदी गोल्ड स्मिथ्स और कुछ इटालियन फॉरेनर्स जो लोम्बार्डीज कहलाते थे सूद पर सोना दिया करते थे। इन इटालियन एंटरप्रेन्योर्स को सूदी कारोबार की इजाज़त तो थी, लेकिन उन्हें एक स्ट्रीट तक महदूद किया गया था। ये लोम्बार्डी स्ट्रीट आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। एंटी यूजरी लॉज में रिलैक्सेशन के बाद इंग्लिश गोल्ड स्मिथ्स भी सूदी कारोबार में हिस्सा लेने लगे। याद रहे कि जॉन लॉ खुद भी एक गोल्ड स्मिथ का बेटा था, इसलिए वो इन सब बातों को आम लोगों से बेहतर समझता था। आहिस्ता आहिस्ता वो जुआ खेलने में माहिर बनता जा रहा था। वो प्रोबेबिलिटीज़ और रिस्क को समझने में अपना बहुत सा वक्त गुजारता। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो जुए से ज़्यादा उसके मैकेनिक्स में दिलचस्पी लेने लगा था। जिस तरह एक साइंसदान मोशन और फोर्सेस को लैब में स्टडी करता है, इसी तरह जॉन लॉ रिस्क और प्रोबेबिलिटी को जुए में स्टडी करने लगा था। वो नफ़ा नुकसान कमी और ज़्यादती के अंदाजे लगाता था। मईशत पर छपने वाला हर मजमून पढ़ा करता था। इस सब के बाद लॉ एक एक्सपर्ट गैम्बलर बन चुका था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सा पैसा जमा हो गया था। और दूसरा ये कि उसकी दोस्तियां शाही ख़ानदान के लोगों और एलीट क्लास के साथ बन चुकी थीं, क्योंकि उस वक्त एलीट क्लास और शाही ख़ानदान के लोग इस तरह के मशागिल में दिलचस्पी लिया करते थे। एक मरतबा जॉन लॉ का एक लड़की के ऊपर एक आदमी से झगड़ा हो जाता है। वो उसे ड्यूल के लिए बुलाता है और ड्यूल में वो शख्स मारा जाता है। जॉन लॉ को जेल में बंद करके सजाए मौत सुनाई जाती है, लेकिन वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उसे उम्र कैद में तब्दील करा लेता है। जब मकतूलीन सज़ा बढ़वाने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो लॉ वहाँ से फ़रार होकर एम्स्टर्डम आ जाता है। ये वही साल है जब बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम हुआ था, यानी 1694। जॉन लॉ के लिए एम्स्टर्डम आने का इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था। ये बात हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की वजह से एम्स्टर्डम यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल बन चुका था और डच रिपब्लिक फाइनेंशियल सुपर पावर बन चुकी थी। लॉ ने बहुत सा वक्त बैंक ऑफ एम्स्टर्डम को समझने में सर्व कर दिया था। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम ने डच रिपब्लिक को सिक्कों में मिलावट और क्लिपिंग से बचाने में बहुत मदद की थी, लेकिन एक चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासर किया था, वो थी डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसकी वजह से डच रिपब्लिक को बहुत ज़्यादा नफ़ा होता था। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारी पिछले वीडियो में तफसीलात देख सकते हैं। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम डच ईस्ट इंडिया कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को देखकर अब भी लॉ को लगता था कि कोई एक चीज़ मिसिंग है। उन्हें यह समझ नहीं आता था के डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स लिमिटेड क्यों हैं, जबकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह लॉ को ये बात भी समझ नहीं आती थी कि बैंक ऑफ एम्स्टर्डम ने पेपर नोट क्यों नहीं जारी किए। जॉन लॉ ने यह समझा कि जब तक लोग
सोना और चांदी के जरिए से ट्रेड करेंगे उस वक्त तक ट्रेड ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि दुनिया में सोने और चांदी के मकदार लिमिटेड है। 10 साल बाद वो स्कॉटलैंड वापस आते हैं और क्वीन को अपना फाइनेंशियल प्लान देते हैं। उनका आइडिया ये था कि एक बैंक बनाया जाए और पेपर नोट जारी किए जाएं, और उन पेपर नोट को किसी ऐसी चीज़ से बैक किया जाए जिसकी रियल वैल्यू हो, जैसे कि ज़मीन। लेकिन क्वीन ने उनकी बात नहीं मानी और सन 1707 में स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बन गया। चूँकि लॉ इंग्लैंड से फरार हो चुके थे, इसलिए अब वो एक मफरूर कैदी बन चुके थे। चनाचे वो स्कॉटलैंड छोड़ के फ्रांस आ गए थे। इस वक्त फ्रांस बहुत से कर्जों में डूबा हुआ था। अलबत्ता ये कर्जा फ्रांस की हुकूमत ने किसी और से नहीं लिया था, बल्कि अपने ही शहरियों से लिया था। फ्रांस की हुकूमत ने अपनी पब्लिक के लिए बॉन्ड्स जारी किए थे, जिसके बदले उनकी दौलत यानी सोना चांदी उनसे ले लिया था। लेकिन चूंकि ये सब सोना चांदी जंग में इस्तेमाल हो चुका था, इसलिए बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत कम हो गई थी। लोगों के पास ये बॉन्ड्स रखे थे, लेकिन हुकूमत के पास दौलत नहीं थी, लिहाजा ये बॉन्ड्स कैश नहीं करवाए जा सकते थे, लिहाजा उनकी हैसियत बहुत मामूली सी रह गई थी। जॉन लॉ ने मौके से फ़ायदा उठा के अपना ये प्लान फ्रांस की हुकूमत को बताया। जॉन लॉ ने बादशाह के भतीजे ड्यूक ऑफ ऑर्लियन से दोस्ती कर ली, जो कि उससे उम्र में बहुत छोटा था और शाही खानदान में उसका असर रसूख बहुत कम था, लेकिन वो जॉन लॉ से बहुत मुतासर था। बादशाह की मौत के बाद वली अहद की उम्र बहुत कम थी, इसलिए ड्यूक ऑफ ऑर्लियन को बादशाह बना दिया गया था। लॉ के पास ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने आइडियाज को प्रैक्टिस में लेके आते। लॉ के प्लान के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि एक बैंक बनाया जाए। ये बैंक लोगों को पेपर करेंसी देगा। लॉ ने लोगों को ये कहा कि वो अपने सोने और चांदी के सिक्के बैंक में रखवाएं, जिसके बदले उन्हें बैंक में एक शेयर यानी हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा ये था कि लोगों को 6 में से सिर्फ एक हिस्सा सिक्कों की शक्ल में अदा करना था और बाकी 5 हिस्से गवर्नमेंट बॉन्ड्स की शक्ल में लिए जाएंगे। जी हाँ, वही गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो लोगों के पास रखे हुए थे और उनकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सरकार के पास ख़जाने में कुछ भी नहीं था। अब फ्रांस की वो आवाम जिनके पास वो बॉन्ड्स रखे हुए थे, वो अपने बॉन्ड्स लेकर बैंक में हिस्सा ख़रीदने के लिए पहुंच गए, और यूँ फ्रांस का बहुत सारा कर्ज़ा कुछ ही दिनों में बैंक के शेयर्स के अंदर तब्दील हो गया और फ्रांस का कर्ज़ा कम हो गया। लोग बहुत खुश थे और सबको इस नए बैंक के साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। इसके बाद बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिए और लोग उन नोटों को इस्तेमाल करने लगे। हैरानकुन तौर पर सब चीज़ें बेहतर होने लगी और कारोबार चलने लगा। लॉ के प्लान का दूसरा हिस्सा ये था कि एक मोनोपोली कंपनी बनाई जाएगी, जो कि लुइजियाना से कीमती नवादरात निकालेगी। ये कहा गया कि लुइजियाना में बहुत सी दौलत मौजूद है और उस दौलत को निकालने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। इस कंपनी को कंपनी ऑफ द वेस्ट कहा गया। लुइजियाना जिस जगह पर है, वो आज के दौर में 1/4 अमरीका बनता है। पब्लिक को इन्वाइट किया गया कि वो आएँ और इस कंपनी में शेयर्स ख़रीदें, वो भी सिर्फ 15% डाउन पेमेंट पर। फ्रांस की आवाम, जो कि पहले ही जॉन लॉ से बहुत खुश थी, इस मौके को ज़ाया करना नहीं चाहती थी। लोगों ने अपनी उम्मीदें लुइजियाना के ख़जानों से लगा ली और तेज़ी के साथ शेयर्स ख़रीदने लगे। जैसे ही शेयर्स की मांग बढ़ी, उसकी वैल्यू भी बढ़ने लगी। हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस सप्लाई और डिमांड के उसूल पर होती है। जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। क्योंकि हर बंदा शेयर्स ख़रीदना चाहता था, इसलिए शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती गई। शेयर की प्राइस बढ़ने के साथ साथ पेपर करेंसी की डिमांड भी बढ़ने लगी। हर शख्स चाहता था कि बैंक से पैसे लेकर जॉन लॉ की इस नई कंपनी में शेयर्स ख़रीद ले। अब चूंकि बैंक भी जॉन लॉ के अंडर था, इसलिए लॉ वहां से ला तादाद पेपर नोट प्रिंट करने लगा। लोग लॉ के बैंक से पैसे निकलवा कर लॉ की कंपनी में शेयर्स ख़रीदने पहुँच जाते, जिससे शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती गई। ये क्लासिक स्टॉक मार्केट फीडबैक लूप था। देखते ही देखते शेयर्स की प्राइस बढ़ती गई। पहले 100%, फिर 1000%, फिर 3000% तक शेयर की प्राइस बढ़ गई। जिसने भी लॉ की नई कंपनी में शेयर ख़रीदा, वो बहुत अमीर बन गया। इन्हीं दिनों में लफ्ज़ मिलियनेयर इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फ्रांस की हर गली हर मोहल्ले में लोग मिलियनेयर बन चुके थे। जनवरी 1720 तक
जॉन लॉ दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन चुका था। उसके पास 12 कंट्री स्टेट से 100 मिलियन लीवरा के शेयर्स थे। उसके इख्तियार में फ्रांस की सारी दौलत और टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था। इसके साथ साथ वो लुइजियाना कंपनी का मालिक था। इन इफेक्ट वो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। प्रॉब्लम ये था कि लुइजियाना से कोई दौलत नहीं निकल रही थी और पेपर नोट छापने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही थी। वो सारे प्रॉफिट्स जो शेयर होल्डर से प्रॉमिस किए गए थे वो लुइजियाना कॉलोनी से निकलने थे, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। वहाँ दलदल और खटमलों के अलावा और कुछ ना था। लुइजियाना में आबादी बहुत कम थी, चुनाचे लॉ ने पैसे देकर लोगों को आमादा किया कि वो लुइजियाना में जाएं और उसे आबाद करें। लेकिन जब लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और वो इलाका रहने के काबिल नहीं है। लॉ ये देखकर परेशान हुआ, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। शेयर की असल प्राइस इतनी नहीं थी जितनी मार्केट में चल रही थी, बल्कि उससे बहुत कम थी, और लुइजियाना कंपनी बहुत बुरी सिचुएशन में थी। सूरत हाल को काबू में करने के लिए लॉ ने पेपर नोट छापना बंद, जो पेपर नोट मार्केट में मौजूद थे उनकी प्राइस हाफ कर दी। लेकिन ये सब करने से लोगों का एतमाद और घटने लगा और वो अपने शेयर्स बेचने के लिए पहुंच गए। और जब शेयर्स बेचने वाले ज़्यादा हों और ख़रीदने वाले कम हों तो शेयर की प्राइस गिरने लगती है। चंद ही दिनों में शेयर की प्राइस गिरने लगी और चंद महीनों में शेयर की प्राइस 90% से ज़्यादा गिर चुकी थी। लोग जॉन लॉ के घर के बाहर जमा हो गए, हंगामे शुरू हो गए और लोग उस जॉन लॉ पर पत्थर बरसाने लगे जो कुछ महीने पहले तक उन सबका हीरो बन चुका था। चुनाचे जॉन लॉ को यहाँ से एक मरतबा फिर अपनी जान बचा कर भागना पड़ा और उसके बाद जॉन लॉ ने अपनी बकिया ज़िंदगी गैम्बलिंग में गुजारी। इसके बाद फ्रांस में बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गए और किंग लुई द 14 और 15 के दौर में माली मुश्किलात बढ़ती गईं, जो कि बिलाखिर फ्रांस के इनकलाब में तब्दील हो गई। ये दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट बबल थी और इस वाक़े से जॉन लॉ के सिस्टम की लिमिटेशंस का पता चलता है। अगरचे जॉन लॉ के सिस्टम का इख्तिताम बहुत बुरा हुआ, लेकिन लॉ की कुछ बातें ऐसी थी जो आगे चलकर सही साबित हुई, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि किसी भी चीज़ की असल वैल्यू वो नहीं जो उसकी मादी या इंट्रेंसिक वैल्यू है, बल्कि उसकी असल वैल्यू वो है जो लोग उसके बदले देना चाहेंगे।